दो सगे भाई, एक बन रहा डॉक्टर और दूसरा बन रहा आईआईटी। हर्षल ने कक्षा दसवीं में केवल 75% मार्क्स हासिल किए। यस सर, शुरू शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, 11th में जब पहला पेपर दिया तो नीचे से सेकंड रैंक थी। कमाल हो गया। हर्षल का जब नीट में सिलेक्शन हुआ तो इसके बहुत स्टेटस लगे और बहुत बधाइयाँ इसको मिली, तो आपको बधाइयों में कमी कैसे रही? उनके 360 में से 342 और मेरे 142, तो मैं सोच रहा हूँ इनमें तो क्या ही होगा अपने बीच में। पांच बच्चों का ग्रुप और पांचों बच्चों को आईआईटी या एनआईटी मिल रही है। उनके लिए तो आईआईटी और आईआईटी बराबर ही थी। अब भी घर में कोई ऐसे बोलते कि दूर क्या भेजने, ये पास में कॉलेज है उसमें करवा दो आईआईटी करवा लो। हमारा भी ग्रुप था सर, हमारे ग्रुप में भी थे सर 8-10 बच्चे, 8-10 में से सबका ही हो रहा है। 10th में आपके जितने भी बने कुछ मायने नहीं रखते यहाँ। नमस्कार, नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ हैं दो सगे भाई, एक बन रहा डॉक्टर और दूसरा बन रहा आईआईटीएन। और जब एक ही परिवार से एक साथ डॉक्टर और आईआईटीएन बच्चे बन जाएं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों को डॉक्टर या आईआईटीएन बनाए। झाझड़ नवलगढ़ झुंझुनू के रहने वाले बाबूलाल जी सैनी जो टीचर हैं और सुमित्रा जी सैनी वो भी टीचर हैं, उनके दो सुपुत्र हमारे बीच में हैं। हर्षल सैनी ने नीट 2022 में 645 मार्क्स हासिल किए, ऑल इंडिया 5682 रैंक, ओबीसी में 1987 रैंक हासिल की है। वर्षल ने जेई एडवांस 2022 में ऑल इंडिया 4945 और ओबीसी में 952 रैंक हासिल की है। दोनों ही बच्चों ने कक्षा दसवीं तक की पढ़ाई डुंडलोद विद्यापीठ नवलगढ़ से की है। साथ में एक विशेष गौर करने लायक बातचीत सामने आ रही है, हर्षल ने कक्षा दसवीं में केवल 75% मार्क्स हासिल किए, जिनको आज के ज़माने में एवरेज से कम माना जाता है। वर्षल ने 85% मार्क्स 10th में हासिल किए, जिनको एवरेज माना जाता है। लेकिन इन दोनों ही बच्चों ने मार्क्स की दीवार को तोड़ डाला और एक साथ एक परिवार में डॉक्टर और आईआईटीएन बने। परिवार में खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा, हर्षल बताएं। यस सर। कैसा खुशी का माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सभी को, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। तो वर्षल, आप बता रहे थे कि हर्षल का जब नीट में सिलेक्शन हुआ तो इसके बहुत स्टेटस लगे और बहुत बधाइयाँ इसको मिली, तो आपको बधाइयों में कमी कैसे रही? सर पता ही नहीं घर वालों को क्या था, कि इनको तो लगता था डॉक्टर ही सब कुछ होता है, आईआईटी में तो उनका कुछ ही इंटरेस्ट। आईआईटी के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। उनके लिए तो आईटीआई और आईआईटी बराबर ही थी। अब भी घर में कोई ऐसे बोलते कि दूर क्या भेजने, ये पास में कॉलेज है उसमें करवा दो आईटीआई। निश्चित रूप से परिवार में चारों तरफ बुजुर्गों का शैक्षणिक लेवल सामान्य रहा होता था, इसलिए आईआईटी के बारे में ग्रामीण परिवेश के लोग इतने नहीं जानते। अक्सर आईआईटी को आईटीआई बोल के कहते हैं कि पास के गांव में करा लेना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस डॉक्टर से कहीं कम नहीं है, आप दो पायदान आगे ही रहेंगे। वर्षल बताएं, आईआईटी जेई में सक्सेस पाना आसान नहीं होता, आपने उसको क्रैक किया, अच्छा कॉलेज आपका को मिलेगा, पीसीपी तक आपकी यात्रा कैसे रही? सर जो राजेश जी ढिल्लन सर है ना यहाँ के सीएमडी, उन्होंने ही मोटिवेट किया था हमें। उन्होंने बोला कि 85 ही बने तो आप ना स्कूल से ना करके हमारे पास आ जाइए, जिसकी वजह से आपको आपका बच्चा कुछ ना बन पाए पर अच्छा करके निकलेगा। क्योंकि फाउंडेशन कोर्स अगर बच्चा करता है तो स्कूलिंग साथ साथ में करता है और साथ में कॉम्पिटिशन का एक्सपोजर भी मिलता है, आगे कोई भी कॉम्पिटिशन दो उसके लिए भी बच्चा तैयार हो जाता है। तो वापस आते हैं हर्षल की तरफ। हर्षल बताएं, कैसी 3 साल की जर्नी पीसीपी की आपकी रही? 3 साल में मैं 11th में तो पिपराली रोड पीसीपी से पढ़ा जी, वहाँ मेरे नाना जी का घर था, वहाँ में मैं मेरा भाई और पापा और मम्मी हमारे साथ रहे। पापा मम्मी की तो आप बता रहे थे झाझड़ के नजदीक ही पोस्टिंग है। पोस्टिंग तो झाझड़ के नजदीक है, फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने का निश्चय लिया। निश्चित रूप से पेरेंट्स को भी बहुत डेडिकेशन रखना होता है, तब सफलता आसान बन पाती है। डॉक्टर बनना मेरा सपना तो था ही, पर मेरे से ज्यादा मेरा नाना जी का सपना था। उन्होंने ही कहा था कि तू डॉक्टर बन, परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक तो होना चाहिए, घर का डॉक्टर होना चाहिए, घर का डॉक्टर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्हीं के वजह से हूँ मैं आज यहाँ पर। वो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी कोरोना
कि टाइम उनकी किडनी फेल हो गई, उनके कारण उनकी डेथ हो गई, पर वो जहाँ भी हैं खुश होंगे। निश्चित रूप से उनकी आत्मा को आज सच्ची श्रद्धांजलि आपने दी है और नाना जी बहुत खुश हैं कि आज के दिन केवल एक डॉक्टर ही नहीं, एक डॉक्टर के साथ एक IITian भी दोहिता बन चुका है। तो हर्षल बताएं, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया आपको प्रिंस में? यहाँ का इन्वायरमेंट, पढ़ने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ की नाइट क्लासेज, स्टडी रूम, ये सब बहुत तो नहीं होते थे कि सबको पकड़ के बैठा देते हैं कि स्टडी रूम में बैठी है। शुरू में ऐसा ही लगता था कि कहाँ डाल दिया है, ऐसे वैसे जेल सा लग रहा है। फिर धीरे धीरे आदत बनी, फिर अब वो जेल है, वो सिलेक्शन के बाद आज़ादी का गार्डन सा लग रहा होगा। यस सर, अब तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ घूमते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, दिन याद आते हैं। यस सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वर्सल की तरफ आते हैं। वर्सल बताएं, सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? मूवी देखने पसंद है सर मेरे को सबसे ज्यादा। मूवी कौन सी देखते हो, हॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड सर। हॉलीवुड, अरे खतरनाक मामला आपका तो। कितनी हॉलीवुड मूवी देख ली सर? हो गई 500-600 की तो पार हो चुकी है यार। इतनी मूवीज कैसे देख ली आपने, कब से देखना शुरू किया सर? 10th में खूब ही देखी मेरे को लग रहा है सही, क्योंकि 10th में तो बहुत ज्यादा ही देखी थी मैंने मूवीज, इसीलिए थोड़े मार्क्स में पीछे रह गए। ठीक है, मूवीज देखना, हालांकि मूवीज से ही बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, चीज़ें सकारात्मक सोचें तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर आते हैं हर्षल की तरफ। हर्षल बताएं, नीट की तैयारी के दौरान बच्चे कई बार काफ़ी चिंतित रहते हैं, हो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपके 75% मार्क्स थे, आपके भी ऐसे विचार आए? यस सर, शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था। 11th में जब पहला पेपर दिया तो नीचे से सेकंड रैंक थी। कमाल हो गया, रैंक नीचे से काउंट होना शुरू हुई, वेरी गुड। फिर धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ने लगा, घर वालों ने मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होता, धीरे धीरे मेहनत कर, वैसे नहीं भी होगा तो 11th 12th तो हो ही रही है साथ में, तो कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे मेहनत की। तो नीचे से सेकंड रैंक थी, वो फिर वापस अपलिफ्ट कैसे हुई? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, नीचे सेकंड थी तो अब अगले टेस्ट में इतना सोच लिया था कि अगले टेस्ट में नीचे सेकंड नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर चाहे कितनी आए। बहुत बढ़िया। 11th में जैसे जैसे लास्ट तक आते थे मेरे 11th के लास्ट पेपर में फर्स्ट रैंक थी। कमाल हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल, बच्चों के सीखने लायक, मोटिवेशन लायक एग्जांपल कि पहले टेस्ट में रैंक रही नीचे से सेकंड और लास्ट के 11th के टेस्ट में रैंक रही फर्स्ट। बहुत बढ़िया। आगे फिर आते हैं वर्सल की तरफ, आपका सक्सेस का ग्राफ कैसे चला? जब मैं कोचिंग पहुंचा तो मेरे साथ प्री फाउंडेशन वाले बच्चे थे, उनके 360 में से, पहले 360 का होता था तो उनके 360 में से 342 और मेरे 142, तो मैं सोच रहा हूँ इनमें तो क्या ही होगा अपने बीच में, ऐसे करते हैं। 200 नंबर का फर्क दिखता था। और मेरे 75 रैंक 120 बच्चों में, तो मैं सोचता था कुछ ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपना तो क्या होगा इनके बीच में। फिर धीरे धीरे नीरज सर से कॉन्टेक्ट किया, उनसे फिर राय मशवरा किया, और आपने भी बहुत मोटिवेट किया था कि वो स्मार्ट स्टडी वाला प्लान जो भी था वो फॉलो किया, इससे फिर धीरे धीरे रैंक में बहुत ज़्यादा सुधार मिला, और कुछ दोस्त भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही हेल्प की थी मेरी। तो कितने दोस्त आपके साथ में सेलेक्ट हुए, हेल्प वाले रह गए या सेलेक्ट हो गए? जो मेरा 11th में दोस्त था वो पुनीत नाम था, पिछली बार उसका IIT गुवाहाटी में उसको MNC मिली थी। बहुत बढ़िया। और बाकी के दोस्त? बाकी के दोस्त अब मेरे साथ सेलेक्ट हो रहे हैं वो। जी, बाकी के दोस्त आपके साथ टारगेट कोर्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। कितने आपके ग्रुप के कितने बच्चों में कितने का सिलेक्शन हो गया एडवांस में? हमारा 5-6 का ग्रुप था जिसमें से 4 का हो गया, एक के थोड़े मैथ में कम रह गए थे, बाकी उसके मेंस का तो अच्छा ही पेपर हुआ था जी। NIT उसको मिल जाएगा, 5 बच्चों का ग्रुप और 5 बच्चों को IIT या NIT मिल रही है। तो आप हर्षल बताएं, आप भी ग्रुप में रहते थे या अकेले पढ़ते थे? हमारा भी ग्रुप था सर, हमारे ग्रुप में भी थे सर 8-10 बच्चे, 8-10 में से सबका ही हो रहा है। ये चीज़ें अपने आप में एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चों में ग्रुप अच्छा बनाते हैं तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, साइकोलॉजी हो, वो सब पॉजिटिव साइड में आपको लेके जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हर्षल आप बताएं, नीट एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीट एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि 10th में आपके जितने भी बने कुछ मायने नहीं रखते हैं, यहाँ आके आप बशर्ते कि आप मेहनत करें, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। आप ये ना सोचें कि मेरे इतने कम बने हैं तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलते हैं उनके, या मेरे को भी ऐसे मिले कि मेरे साथ वालों के 99% थे 10th पे, मैं उन्हें देख के बहुत डिमोटिवेट था, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि डॉक्टर तो बनना ही है, तो फिर मैंने आज कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वर्सल आप JEE एडवांस के एक्सपीरियंस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, टिप्स दें?
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे मेंस में तो कम ही थे, 98 ही थे, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेंस में कम होता, इसकी वजह से ये नहीं कि एडवांस में 12 जारी रैंक आएगी, इसका मतलब ये नहीं था कि फिर एक महीने में मेरे बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व की थी, उसके बाद में मेरे एडवांस की रैंक 4945 है, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया कॉलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो जो बच्चे जेई एडवांस के लिए रिपीट करेंगे उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? रिपीट करना है तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नोट्स तो पढ़े ही होंगे आपने ट्वेल्थ में, उनको कम कर दो थोड़ा सा, फिर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नोट्स उठाओ, फिर चेक करो, फिर वापस से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ। चलो तो ये दोनों बच्चे थे हर्षल और वर्षल सैनी, दो सगे भाई एक ही परिवार से एक साथ डॉक्टर और IIT, मैं पूरे झाझड़ गांव को बधाइयां देता हूं कि दो बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए हैं और दोनों ही बच्चे अपने आप में मोटिवेशन के एग्जांपल्स हैं, टेंथ में परसेंटेज के हिसाब से भी। और दोनों का जैसे बताया, पहले टेस्ट में रैंक लास्ट से शुरू होती है और आगे के टेस्टों में टॉपर्स में पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से बच्चा जब ठान लेता है कि मुझे अच्छा करना ही है तो चारों तरफ के वातावरण के बारे में सोचना बंद करें, अपने कदम आगे बढ़ाएं, वन बाय स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएं, स्मार्ट स्टडी करें। डॉक्टर और IIT बनना मुश्किल नहीं है। नमस्कार।